आज मैं थोड़ा सा हैप्पी भी हूँ और सैड भी हूँ। एंड आप सारे टीचर्स का जितने भी हैं यहाँ पर जो नहीं भी है, जैसे जो इस समय है दिनेश सर, प्रिंसिपल मैम रवि सर, अंकित सर, सरजीत सर, विजय सर, एवरीवन हैज अ ग्रेट रोल इन माय लाइफ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव सच अ टीचर्स लाइक यू। एंड द टीचर्स हु आर नॉट हियर, हु आर नॉट प्रेजेंट एट दिस टाइम, लाइक जेपी सर, ही इज आल्सो वन ऑफ द ही इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग टीचर ऑफ केमिस्ट्री। एंड हमारे बीच का जो लाइक जैसे दिनेश सर हैं, वो हमेशा हमेशा हर एक मौके पर हमेशा हमें हमारे हम लोगों का सपोर्ट करते थे, हमेशा हमें बताते थे, गाइड करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। एंड प्रिंसिपल मैम वो हमेशा अपने बच्चों का और उनका एक हिंदी पढ़ाने का जो तरीका है, मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने इतने से हिंदी पढ़ा है कि आज भी मैं जो क्लास 10th और 11th की जो पोएम है ना, उसके में भी उसका मैं अभी भी एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और देवेंद्र सर ने जो स्टोरी को इस तरह बताते हैं, कोई भी स्टोरी उसको इस तरह पढ़ाते हैं जैसे कि वो हमारे एकदम दिल को छू जाता है और हम लोग जैसे कि पढ़ते समय खो जाते हैं, जैसे हम खुद ही उस स्टोरी का भाग हों। आज लास्ट मोमेंट है स्कूल का, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ फॉर माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट यू दैट देखते ही देखते हम वो 12th क्लास भी खत्म हो गई और इसी के साथ खत्म हो गई हमारी स्कूल लाइफ भी। जो चीजें कल तक आफत लगती थी अब वो राहत लगने लग गई है और स्कूल लाइफ खत्म होते होते हमारे आंखों में आंसू लेकर आ गए हैं। आज साथ ही मैं आज एक फ्लैशबैक उन सभी बेहतरीन लोगों का आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो स्कूल लाइफ में बीते हैं। आफ्टर 10th नए दोस्त कुछ बने थे, नए चैप्टर सेट हुए थे जिंदगी में और उन दोस्तों के साथ की मस्ती, खिलखिलाती जिंदगी और बोर्ड के एग्जाम वाले पढ़ाई, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ को हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं। आज मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है क्योंकि हमने जो हमारे जो फनी मोमेंट्स थे क्लास में, हम लोग एक दूसरे के साथ आते थे, गाते थे, कभी फ्री टाइम पे हम लोग आपस में अंताक्षरी खेल लिया करते थे, कितना बहुत वो सारे लम्हे अब बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उन्हें भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और साथ ही मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 6 से स्कूल में पढ़ रहा हूँ इस स्कूल में, और अगर मेरा जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि मेरे कारण कभी भी किसी को कोई दुख ना हो, कभी मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरे से हर्ट ना हो, या मैं कहीं ऐसा काम ना कर दूँ कि मेरे कारण कोई मुझसे कोई बात ना करे, ऐसा कुछ मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं जो जिससे लोगों को हर्ट हो ही जाता है। आप लोग टीचर्स हैं और अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है, अगर किसी को तकलीफ हुई हो इतने साल में, कोई भी क्लास 11th है या कोई भी टीचर्स हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उसके लिए मैं आज आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं सारी गलतियों को अपने एक्सेप्ट करता हूँ। आपको अगर लगता है मैंने गलती की है बहुत सारे मौक़ों पर, पिछले फेयरवेल्स पे या टीचर्स डे पर बहुत सारे, अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और आप सभी का मेरे पर बहुत विश्वास है, आपको लगता है कि मैं बहुत पढ़ने तेज हूँ, नहीं ठीक है लगना भी चाहिए, और आपको लगता है मैं बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर, बट ठीक, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, मैं आपके विश्वास पर खड़ा हूँ, मैंने हमेशा प्रयास किया है। और मैंने एक पोयम लिखी है जो मेरी इंटरनल फीलिंग्स को व्यक्त करती है, उसको मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि
थोड़ा इंग्लिश में मैंने लिखा है, डोंट बिलीव ऑन मी, डोंट बिलीव ऑन मी बिकॉज आई डोंट वरना मेक यू फील सैड, आई डोंट वरना मेक यू थिंक रॉन्ग अबाउट योर सेल्फ बाई बिलीविंग ऑन मी, डोंट बाइंड मी, डोंट बाइंड मी विद द थ्रेड्स ऑफ फेथ, द बाइंडिंग इज लाइक अ बर्ड इन अ केज, दिस बाइंडिंग विल बॉदर द बर्ड, एंड आई डोंट वरना एनी वन टू बी सैड बिकॉज ऑफ मी, ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ बिलीव, डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम मी, लेट मी लाइव फ्रीली, लेट मी फ्लाई इन दिस इनफाइनाइट स्काई, लेट मी लाइव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव माई ओन डेज, आई वरना लाइव फ्रीली, कॉमली, लोनली, हैप्पीली एंड विथाउट एनी बाइंडिंग विथ दिस अनबाइंडेड वर्ल्ड, आई वरना गो सो फार एज फार एज नो वन कैन डिस्टर्ब मी, एज फार एज नो वन कैन फाइंड मी, द प्लेस where there is no one, where there is only I and silence with the nature's mellifluous voice, the place where I can jump, I can be, jump, play, dance as much as I want and can do everything, everything that I can and there would be nobody to judge. I wanna hold nature's beauty in my arms, I wanna feel the peaceful waves of the ocean, I wanna flow with the waves, I wanna feel the redness of the air blowing slowly and silently. I wanna creep the hole beside me and wanna nestle myself in the nature's love that gives me eternal peace to me and my heart. Thank you and again. ये जितने भी लम्हे थे स्कूल के सारे बीत गए हैं, प्रिंसिपल मैम की क्लासेस, देवेंद्र सर की क्लासेस, रवि सर जो हमें पढ़ाते थे, पुष्टि पढ़ाते थे, सरजीत सर जिनके साथ हमने क्लास में भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था, जेपी सर जो नहीं है उनके साथ जो डिस्कशन थे क्लास में, यूनिवर्स के ऊपर, ब्लैक होल और स्पिरिचुअलिटी, सारी चीज़ें मैं करूँगा, हमेशा याद रहेंगे। एक बात है, मैं कभी किसी को, अगर मैं चला जाता तो मैं कभी किसी को जल्दी फ़ोन वगैरह नहीं करता, मैं मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं मैं उन्हें भी कभी बात नहीं करता, पता नहीं कि मेरे अंदर ये है, मैं सोचा मैं इसे बाहर निकलूँ, मैं इसे दूर कर लूँ, लेकिन फिर भी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ और जो क्लासमेट्स हैं कि भले से अगर मैं याद करूं लेकिन आप लोग मुझे जरूर याद कर लीजिएगा, कभी मिले तो एक बार हेलो जरूर बोल लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा, मेरे पास कहने तो बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अवार्डिंग मी दिस ऑनर, थैंक यू।